हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ Asus Max Pro M1 और Max Pro M2 यूजर्स के लिए एक नया गूगल कैमरा। इस बार जो मैं नया गूगल कैमरा लेकर आया हूँ, इस बार बहुत से यूजर्स को जो है ये कैमरा जरूर से पसंद आएगा, क्योंकि इस बार जो मैं गूगल कैमरा लेकर आया हूँ यहाँ पर सारे फीचर्स जो हैं परफेक्टली काम तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार जो है आपको नाइट साइड के अंदर जो है दो नए फीचर्स जो है आपको इस वाले गूगल कैमरा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड दोस्तों, अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो इस लेटेस्ट गूगल कैमरा को अपने Asus के Zenfone Max Pro M1 या फिर Max Pro M2 स्मार्टफोन के अंदर, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, ये है यहाँ पर लेटेस्ट गूगल कैमरा जो कि मैं आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वर्जन की। तो भाई यहाँ पर मैं आपको एक बार ऐप इन्फो में जो है इसका वर्जन दिखा देता हूँ, जो कि है यहाँ पर गूगल कैमरा वर्जन 7.2.0.41, जैसे कि आप यहाँ पर इसमें देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं गूगल कैमरा को जो है ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर आपको कुछ डेमो जो है दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर चलिए कुछ फोटोज़ को जो है एक बार क्लिक करके भी देख लेते हैं। एंड ये वाला गूगल कैमरा मैं स्पेशली लेकर आया हूँ यहाँ पर Asus के Max Pro M1 यूजर्स के लिए, क्योंकि भाई बहुत सारे Max Pro M1 यूजर्स जो है मुझे बताते हैं कि भाई उनके पास 3GB रैम वाला वेरियंट है, उनके पास 4GB रैम वेरियंट है। तो आप डेफिनेटली 3GB और 4GB रैम वाले वेरियंट्स में जो है इस वाले गूगल कैमरा को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मुझे जो है पर्सनली ये वाला गूगल कैमरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। यहाँ पर एक बार मैं आपको फ्रंट कैमरा भी जो है टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो भाई यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन जो हैं काम कर रहे हैं। फ्रंट कैमरा में जो है आपका HDR भी जो है काम कर रहा है। एंड कुछ यूजर्स ने भाई मुझे कमेंट करके पिछले वीडियोस में बताया था कि भाई गूगल कैमरा जो है यहाँ पर फोटोज़ का जो रिजोल्यूशन है उसे कंप्रेस कर रहा है, या फिर जो फोटोज़ का जो रिजोल्यूशन होता है 16 मेगापिक्सल का, उसमें क्लिक नहीं हो रहे हैं फोटोज़। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको अब डिटेल्स भी दिखा देता हूँ फोटोज़ में जाके एक बार। तो दोस्तों ये मैंने फोटो यहाँ पर अभी क्लिक किया था इसी कैमरा ऐप से। तो यहाँ पर एक बार इसका रिजोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि है 15.9 मेगापिक्सल, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैंने जस्ट इस फोटो को जो है यहाँ पर क्लिक किया था एंड यहाँ पर ये वाला फोटो भी जो है आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का ही जो है फोटो देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको 16 मेगापिक्सल के अंदर जो है फोटोज़ को यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपको याद रखना होगा कि आपका जो गूगल कैमरा है उसमें जो रेशो सेट होना चाहिए वो यहाँ पर 4:3 होना चाहिए। यहाँ पर आप 4:3 के अंदर जो है 16 मेगापिक्सल का जो है यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर सिंपली वाइट क्रॉप रेशो यूज करोगे तो यहाँ पर जो फोटो का जो यहाँ पर रिजोल्यूशन है 8.9 मेगापिक्सल में जो है हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर चलिए आप पोर्ट्रेट मोड की। तो भाई पोर्ट्रेट मोड भी जो है एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो भाई पोर्ट्रेट मोड भी जो है इसने कितना जल्दी यहाँ पर प्रोसेस कर दिया है, और मैं कहूँगा कि भाई ये पोर्ट्रेट मोड में मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद आया है। आप यहाँ पर ऑल फोटोज़ के अंदर भी जाके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरह से जो है फोटो सैंपल देखने को मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड का। दोस्तों चलिए आप बात कर लेते हैं कुछ दो नए फीचर्स की। तो भाई जो दो नए फीचर्स ऐड हुए हैं वो यहाँ पर नाइट साइड के अंदर ऐड हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंपली नाइट साइड के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने उन दो फीचर्स को जो है ऑन किया है। जैसे कि आप देख सकते हो नाइट साइड के अंदर अब यहाँ पर आपको दो नए टॉगल देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड का जो है आपको बटन देखने को मिल जाता है। अगर आपको कभी एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड को यूज़ करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर इस बटन पर टैप कीजिए एंड उसके बाद जो आपका एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप इस पर सिंपली फिर से टैप करोगे तो एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड जो है ऑटो या फिर सिंपली जो है ऑफ हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आपको इसको एनेबल करना है इन दोनों नए ऑप्शंस को, तो सिंपली आपको जाना होगा अपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली आना है यहाँ पर आपको PX मोड सेटिंग्स के अंदर। जैसे आप यहाँ पर आएंगे आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा शो एस्ट्रो बटन। तो आपको सिंपली जो है इसे सिंपली यहाँ पर ऑन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको सिंपली बैक करना है। उसके बाद आपका जो गूगल कैमरा है यहाँ पर रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप अपने नाइट साइड के अंदर जाओगे, तो यहाँ पर आपको दो नए ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड का जो है आपको एक बटन देखने को मिल जाता है। सेकेंड ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक यहाँ पर आपको एक ये लाइट पेंटिंग मोड है। अगर आप यहाँ पर अपने कुछ भी बुक्स वगैरह के फोटोज़ को क्लिक करते हो, पेंटिंग्स वगैरह के, कार्स वगैरह के, तो आप इस मोड को यहाँ पर ज़रूर से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको और ज़्यादा अच्छे फोटोज़ देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर चलिए मैं आपको दो फोटोज़ भी जो है दोनों ही ऑप्शंस के साथ जो है क्लिक करके दिखा देता हूँ। एंड चलिए यहाँ पर मैं जो है एक बार एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड को भी यूज़ कर लेता हूँ। तो भाई आप देख सकते हो दोनों ही जो मोड्स हैं बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहे हैं। एक बार मैं सिंपली आपको नॉर्मल नाइट साइड भी जो है टेस्ट करके दिखा देता हूँ।
तो भाई आपने देखा भाई तीनों फोटोज़ को जो है इसने बिल्कुल प्रॉपरली और काफ़ी अच्छे से जो है क्लिक भी कर लिया। एंड आप देख सकते हो इसने जो है प्रोसेसिंग को भी यहाँ पर मैं कहूँगा कि 50% तो यहाँ पर इसने प्रोसेसिंग कंप्लीट भी कर ली और प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर भाई ये तीनों शॉट जो है मैंने क्लिक किए थे। तो दोस्तों आपको ये दो नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इस वाले गूगल कैमरा के अंदर, तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये नया वाला गूगल कैमरा जो है आपको कैसा लगा। एंड यहाँ पर बाकी आपका जो वीडियो मोड है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। यहाँ पर आपका जो 30-60 FPS है वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर मोड के अंदर जो है आपको फोटो स्पेयर, पैनोरोमा, स्लो मोशन, टाइमलैप्स देखने को मिल जाता है। स्लो मोशन जो है अभी के लिए काम नहीं कर रहा है, अगर आप स्लो मोशन टैप करोगे तो भाई सिंपली ऐप क्लोज हो जाएगा, तो स्लो मोशन भाई हर बार की तरह काम नहीं कर रहा है। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको ये वाला गूगल कैमरा जो है कैसा लगा। और अगर आपको ये गूगल कैमरा अच्छा लगता है तो इस वीडियो को बड़ा सा लाइक दीजिएगा। मैं एम करता हूँ कि भाई आप इस वीडियो को जो है 100 likes करा दो। 100 likes भाई नहीं करा रहे हो गूगल कैमरा के वीडियोज़ को, इतने ज़्यादा मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो लाइक ज़रूर से कराओ। 100 likes मांगता हूँ, 100 likes दे दो। और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो हर MaxPro M1 यूज़र के साथ। एंड चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए, एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। तो दोस्तों मेरा नाम है अमित कुकरेजा, आप देख रहे हैं द एंड्रॉइड यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।